मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से कराते हैं। अब सभी जानते हैं साथी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 वैकेंसी का आप लोग वेट सभी लोग बहुत ही ज्यादा मतलब जैसे कहते ना कि पलके बिछाकर आप सभी लोग वेट कर रहे हैं। और उसका कारण भी है क्योंकि पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल लेवल की कोई भर्ती नहीं आई है। हालांकि बीच में एक कुछ पद जेल बॉर्डर के आए थे लॉकडाउन वाले समय में, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल जो नॉर्मल भर्ती आती है उसके कोई पद अभी नहीं आए। लास्ट जो आए थे कुछ इस प्रकार थे कि जनवरी 2018 में 41,520, जून 2018 में इसकी परीक्षा हुई, कुछ शिफ्ट उसमें कैंसिल हुई तो उनका री एग्जाम हुआ अक्टूबर 2018 में। इसी दरमियान अक्टूबर 2018 में एक और भर्ती आ गई, ये पहली भर्ती थी। अक्टूबर 2018 में एक और भर्ती आ गई 49,568 लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, बोले छप्पर फाड़ के नौकरी दे रही है सरकार, पहले आई फिर दबा के आई, बहुत लोगों को यकीन नहीं हुआ। इसमें ज्यादा समय नहीं मिला और इसकी जो परीक्षा हुई इसकी परीक्षा जनवरी 2019 में हुई। ठीक है भैया, यहां तो भी आपको लगभग 6 महीने के करीब का समय मिला, यहां परीक्षा में केवल आपको 2 लगभग 2.5 महीने के करीब मिले। नवंबर मिला, दिसंबर मिला और जनवरी मिली, 49,568 खटाक से भर्ती पूरी होगी। और अक्टूबर 2018, अब आप देखोगे ये अगस्त कंप्लीट होने वाली है, 25 अगस्त आपके टेंडर की लास्ट डेट थी और उसके बाद में सितंबर के 30 दिन हटा दें तो फिर वही अक्टूबर आ जा रहा है, एग्जैक्ट 5 वर्ष हो जाएंगे। जबकि इस बीच में चुनाव 4-5 बार हो चुके हैं, लेकिन ये जो भर्ती है ये नहीं आई। अब बहुत बार इसका टेंडर आया, आागे बढ़ा, फिर कुछ हुआ, फिर अब जब भर्ती बोर्ड की नई जो अध्यक्ष बनी है और जब अभी मुख्यमंत्री जी के मंच से ये नए पदों के बारे में घोषणा हुई अधियाचन, तो तुरंत एक दिमाग सवाल मतलब एक सवाल दिमाग में आ गया और थोड़ी सी आप सभी लोगों को एक संबल भी मिला कि भाई हां अब जो इसमें भर्ती में पद भी बढ़ेंगे और इसमें नई भर्ती के लिए टेंडर भी आपके उसके लिए जारी हो गया। तो नए पद कैसे, जो ज्यादा पद कैसे पता चले, क्योंकि जो FAQ थे इसमें भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, उसमें चीज की पता चल गई कि 41,811 थे कांस्टेबल के, ये पुरुष और महिला, महिला पुरुष दोनों के लिए आरक्षी PSC 10,984, ये केवल मेल के लिए है, फायरमैन के 1,007, जेल वार्डर के 2,833, आरक्षी विशेष सुरक्षा के 1,341 ये पद भी, और महिला बटालियन हेतु लगभग 796 के करीब, 761 पद, तो कुल मिला के ये 58,000 के करीब बन रहे। मान लेते तो इसमें यदि जेल वार्डर के नहीं भी आए तो भी 56,000, क्योंकि इन सभी पदों के लिए, इसके लिए, पीएससी के लिए, फायरमैन के लिए, विशेष सुरक्षा और जो महिला बटालियन है इसके लिए जो EOI निकाली गई, ये EOI अर्थात टेंडर इन सभी के लिए निकाला गया। तो इसका मतलब इन सभी पर जब इन पदों के लिए EOI निकाली है भर्ती कराने के लिए तो इन पदों पर भर्ती परीक्षा भी होगी। टेंडर आया और टेंडर की लास्ट डेट क्या थी, टेंडर की लास्ट डेट 25 अगस्त का था शुक्रवार। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में अब इसके बारे में कोई सूचना नहीं, ना भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर ना कुछ। मेरे विचार में यदि ये 25 अगस्त तक कोई स्वीकार नहीं करते या इन्हें कोई नहीं मिलती तो ये हो सकता है बढ़ा देते। अब कल का जो दिन है मंडे का अर्थात कल जो 28 अगस्त, इसको देखने वाली बात होगी। यदि इसकी टेंडर नहीं भरा गया किसी के द्वारा तो ये डेट आगे बढ़ेगी और यदि भर दिया गया है तो ये फिर आगे नहीं बढ़ेगी। अभी जो कहीं से छोटी सी कुछ सूचना आ रही थी वो ये थी कि कुछ जगह जो सेंटर होते हैं, जो परीक्षा केंद्र होते हैं जहां ये परीक्षा होगी, क्योंकि ये ऑफलाइन OMR आधारित एग्जाम होगा, तो इसमें एक चीज क्लियर है क्योंकि पहले सुनने में आ रहा था ना हाइब्रिड, जैसे जो रेडियो ऑपरेटर है वो हाइब्रिड होगा तो उसी के आधार पर अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये भी हाइब्रिड, मगर इसमें इन्होंने जो अभी EOI दी है
इन्होंने जो टेंडर दिया है वो एमआर वाले दिया है, तो जो केंद्र है वहां पर इस चीज की तैयारी हो गई है, 99% इसे टीसीएस से उठाएगी। बिल्कुल पेपर जैसा आपका सिलेबस 41,520, 49,568 जेल वाटर, बिल्कुल उसी लेवल का, जेल वाटर के लेवल का आप इसमें समझ के चलिए, क्योंकि इसमें जो फॉर्म की संख्या है वो 20 से 25 लाख तक भरेगी, और जब 20 से 25 लाख में से आपको 50,000-55,000 के करीब चुनने होते हैं तो पेपर का लेवल भी अच्छा आएगा। पेपर का लेवल आप ऐसा सोच के ना चले, पहली बातें होगी। कल का दिन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बच्चे कह रहे थे सर बताओ कुछ बताओ, मैं सबको कैसे रिप्लाई करूं एक एक करके, तो मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि 25 अगस्त ईओआई जमा करने की लास्ट डेट थी, 26 और 27 दो दिन शनिवार इतवार पड़ गया, कल का सोमवार का दिन देख लेते, कल कुछ नहीं आता इसका मतलब ना आगे बढ़ी ना कुछ, तो ये एक्सेप्ट हो गई है। एक ही कंपनी है इस समय जो इस शर्तों को पूरा करती है, याद रखिएगा जो इस टेंडर में शर्त है ना, जो इन शर्तों को पूरा करती है वो एक ही है टीसीएस। अगर इसके अलावा अगर एपटेक या एनएससीआईटी के पास गया तो हम सब लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, ये हम लोग इस पे पूरा नजर रखेंगे कि यदि इन दोनों कंपनियों के पास जान पाए तो ये निकम्मी कंपनी है, इन्होंने ऐसा कोई राज्य नहीं छोड़ा, उत्तर प्रदेश से लेके एमपी से लेके जम्मू कश्मीर से लेके उत्तराखंड से लेके गुजरात तक जहां इन्होंने पेपर में घपले ना किए हों, तो इनको तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसमें शर्तें भी। अब देखो बचे की बात, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि अपने उत्तर प्रदेश दरोगा वाली भर्ती कराने में एनएसआईटी के अधिकारियों का पूरा पूरा हाथ रहा, लेकिन सोचो भर्ती बोर्ड ने एनएसआईटी को बैन नहीं किया, उसमें यह था कि कंपनी बैन नहीं हुई हो। अब ये कह सकते कि हम पे बैन तो नहीं हुआ, हम पर डिबार हुए या हमसे कैंसिल किया गया, ऐसा भी नहीं हुआ। एक था कि उसके अधिकारियों पर मुकदमा ना हो, तो इसके कई अधिकारियों पर मुकदमा भी हुआ है, जो सेंटर संचालक या जो क्लस्टर हेड वगैरह होते हैं, क्लस्टर हेड तक पर इस मुकदमा हुआ है। तो ये तो बहुत देखेंगे कि दोनों कंपनियां इसमें शामिल ना हो। ये तीन ही कंपनियां जिनके औकात है पेपर कराने की, टीसीएस, एनएससीआईटी, एपटेक, ये दोनों का हमने रंग रूप देख लिया, हजारों एग्जाम इन्होंने चोरी कराई है, तो कौन सी बच गई? टीसीएस। पूरी नजर रखेंगे, कुछ भी हो जाए भर्ती में किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होने देंगे, तुम लोगों के चाहे इस बार जान चली जाए लेकिन पूरा शुरू से लेकर अंत तक इस भर्ती पर पूरी नजर रखेंगे। एक भी गरीब, एक भी मेहनती बच्चे के साथ ना इंसाफी नहीं होने देंगे जैसी दरोगा में हुई। सो बाद में उसमें चीजों का पता चला, इसमें शुरुआत से सबसे पहले कंपनी, बात आपकी समझ में आ रही है? आपको भी कहीं पर कोई दलाल, यह बात जरूर समझिएगा, ये जो चौंकाने वाला वर्ड है इस पर गौर कीजिएगा, आपको भी कहीं ना कहीं से किसी दलाल के बारे में सूचना मिले, कोई दलाल, कोई बेईमान व्यक्ति कहीं पर आपसे कह रहा हो कि मैं पैसे लगाकर करा दूंगा, कोई आपको सेटर वाच मिले जो पेपर में सेटर सेटिंग करने की बात कर रहा हो, कोई स्कॉलर अपने आप को कहे कि मैं तेरी जगह बैठ जाऊंगा, क्लोनिंग कुछ भी कुछ कहे आपको, सीधे सीधे याद रखिएगा, मैं आपको भर्ती बोर्ड की ट्विटर पे भी यूपीपीबीपीबी के नाम से भर्ती बोर्ड की पूरी ट्विटर का एक पूरा पेज है उसका, उस पर या भर्ती बोर्ड के जो ईमेल इत्यादि है आप उस पर भेज सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इस बार की जो अध्यक्ष मैडम है वो जरूर कदम उठाएंगी, हम सबको मिलकर इन लोगों को रोकना है। बेसिक वैकेंसी 50,000 है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई में धांधली सुने, लेखपाल में धांधली सुने, अगर उसमें से एक वैकेंसी भी किसी बेईमानी के हाथ बेईमान के हाथ में पड़ती है तो हर वो उस ईमानदार पढ़ने वाले बच्चे के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। हम सबको मिलकर इन सेंटरबाजों को रोकना है, दलालों को रोकना है, स्कॉलर को रोकना है, जो जो सेंटर चुन के धांधली कराते इनको पकड़ना है। कहीं भी कहीं से भी सूचना आए, चाहे आपका रिश्तेदार हो कोई भी हो, कतई भी सूचना मत दो किसी को भी, किसी को मत बताओ, खास से खास घर में मां बाप मम्मी पापा किसी को मत बताओ, सीधा सूचित करो भर्ती बोर्ड को, विसल ब्लोअर, कोई आपकी उसमें जो आइडेंटिटी होती है वो छुपाते हैं उसको, पर वो जरूर, पहली बात ये याद रखिएगा। कल का 28 अगस्त का दिन देख लेते हैं, मेरे विचार में या तो अगर टेंडर एक्सेप्ट नहीं किया है तो फिर डेट आगे बढ़ेगी, नहीं तो 99% एक्सेप्ट हो गया, पहले से टीसीएस से तय थी, टीसीएस को शर्तों में कुछ ढील चाहिए थी कि अगर कहीं लीक वगैरह हो जाए तो उस पर केस ना हो, ये सब। अगर आप पुराने टेंडर देखोगे, नए टेंडर देखोगे, तो आप उसमें बहुत सारी छूट देखोगे, बहुत सारी शर्तों में आप
बट टीसीएस यही चाहती थी, पहली बार एक ही कंपनी ने भरा था, इस बार इन्होंने इसलिए टेंडर नहीं निकाला, ईओआई निकाली। इसका आप ऐसा कह सकते हो कि यदि एक भी कंपनी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये उसको भी एक्सेप्ट करके कि भाई एक हम कराने में सक्षम है, ठीक है कोई और नहीं आया आप करा लो। समझ में आ रही है बात आप सभी को? अब एक चीज तो ये होगी, दूसरी चीज जो आप सभी लोग पद के बारे में बता दिया, एज में छूट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो यदि आप घर में बैठकर एज लेना चाह रहे हो तो ऐसा तो मुश्किल है छूट, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सरकार ये कितनी ज्यादा एडामेंट है, जिद्दी है इस बात को लेकर। तो आपसे मैंने पहले भी कहा था और इस बात को मैं आपको नहीं कहूंगा, बट एमपी हरियाणा राजस्थान इसके स्टूडेंट्स में थोड़ा आत्मविश्वास आत्मसम्मान बचा हुआ है, अपनी बात कहने का रखने का जज्बा बचा हुआ है। उत्तर मतलब दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं उनमें अपनी बात कहने का, अपनी संवैधानिक बात कहने का जो जज्बा है वो कहीं ऐसे लगता है जैसे वो दब गया हो, कहीं कोई धांधली हो रही है, कोई कुछ बात नहीं, कहीं कोई कुछ हो रहा है, ऐसे हो रहा है कि ना भी हो कोई बात नहीं, केवल खाने के लिए रास्ते मिल जाए, सोने के लिए बेड, चलाने के लिए मोबाइल, 2.5 GB का नेट उतना जिंदगी में काफी है। अभी आपने मध्य प्रदेश पटवारी में देखा धांधली हुई, 3 दिन में उन्होंने धांधली को मतलब भर्ती को रुकवा दिया। मैं मध्य प्रदेश हरियाणा राजस्थान देखोगे वहां बच्चे अपनी बात रखते हैं। आपसे तो इतना ही था कि आप क्या कीजिए, एक पत्र होता है ना हो तो व्हाइट पेपर पे, ना हो तो किसी भी पेज पर लिख दो कि भाई हम ऐसे ऐसे परेशान है, अपने गांव के किसी समझदार व्यक्ति को ले जाके अपने एमपी एमएलए को दे दो। अरे वो ऐसा तो नहीं है कि वो अगले साल आपसे वोट मांगने नहीं आएगा, आपकी बात ना रखे, कहना कि विधायक जी मंत्री जी अगली बार वोट मांगने मत आना, आओगे तो आपको नहीं देंगे क्योंकि आप बात ही नहीं सुन रहे हो, लेकिन आपको तो लगता है कि एच वो अपने आप दे देंगे, नहीं तो सर हाईकोर्ट। अरे भाई हाईकोर्ट क्यों जाना, एमपी एमएलए तुमने क्यों रखे, इसलिए तो रखे कि वो तुम्हारा प्रतिनिधित्व करें, और जाहिर सी बात है 5 साल की बात बताओगे तो किसी को भी समझ में आएगी, चाहे वो कितना भी जिद्दी क्यों ना हो, कि इनकी ये बहुत जायज मांगे 5 साल से भर्ती नहीं आई, जो बच्चे 18 के थे वो जनरल के 22 होके 23 के हो गए, वो कहां से, उन्हें तो एक भी चांस नहीं मिला, थोड़ी सी छूट दे दो सबको दे दो, 3 साल की दे दो, ज्यादा की दे पाओ ज्यादा की दे दो, कम से कम 3 साल की तो दे ही दो, तो वो तो आपको करना पड़ेगा, अन्यथा ये नहीं। छोटे छोटे कोई कहीं अखबार में कुछ निकले लखनऊ वगैरह में, उस पर भी ध्यान रखना, ये दोनों कंपनी टेंडर ना ली फाइन, ये ले ले कोई दिक्कत नहीं, इसमें पूरा भरोसा है, ये बड़ी बढ़िया से एग्जाम कराएगी, और आपको भी उन चोरों को बेईमानों को दलाली बेईमानी करने से रोकना, नहीं तो आपकी मेहनत की सीट मार के ले जाएंगे। पेपर बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से, कोई पॉइंट सिलेबस से बाहर नहीं, डेप्थ में आएगा, लेकिन क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि 25 लाख में से 50,000 को चुनना है तो वो डेप्थ में पेपर देंगे, वो ऊपर ऊपर से पेपर नहीं देंगे। यही चीज मुझे आपको बतानी थी, यही चीज मुझे आपको समझानी थी। टेंडर का आप उतना लूड लेके मत चलो, आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, तो लास्ट फेज में ही है मेरे विचार में, आपका सितंबर से जो फॉर्म की प्रक्रिया है वो शुरू हो जानी चाहिए, एनी हाउ सितंबर से आपको यह पता चल जाएगा कि फॉर्म आपके इस डेट से भरे जाएंगे, 15-20 दिन पहले बता देता है भर्ती बोर्ड, और एग्जाम वही दिसंबर, और नहीं दिसंबर 20 दिसंबर के बाद में कभी भी मान के चलो 20 दिसंबर के बाद में, क्योंकि टीसीएस 60 दिन के अंदर भी एग्जाम कराने की क्षमता रखती है, 45 दिन के अंदर भी एग्जाम कराने की क्षमता रखती है, इसके पास सब सेंटर सॉफ्टवेयर सब कुछ इसके सेट है, इसको ऐसे नहीं कोई नई कंपनी है, इसको सेटअप करना पड़े, उसका दिन रात का काम एग्जाम कराना है, एक्सपर्ट है वो इस काम में, तो इसलिए आप ये मत समझना 49568 में तुरंत कितने फॉर्म भरे गए, तुरंत एग्जाम करा दिया गया था, वैसे ही सेम टू सेम आप समझ के चलो, अक्टूबर के सितंबर में आपको पता चल जाएगा, अक्टूबर के दरमियान फॉर्म, और अब दिसंबर के 20 दिसंबर के बाद में एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है भैया। तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, और नाम रोशन कीजिए अपने परिवार का, क्योंकि ऐसे इतना इंतजार करने के बाद में भी आप एग्जाम ना निकालें, और मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, तैयारी करने वाले चुनिंदा हैं, दिखाने वाले कि हम तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने वाले, क्वेश्चनों के द्वारा तैयारी करने वाले ये ज्यादा हैं, डेप्थ में जाकर गहराई में जाकर थ्योरी बढ़िया से रम के तैयारी करने वाले चुनिंदा हैं, वो एग्जाम निकाल के ले जाएंगे।
इनके पता भी नहीं चलते क्वेश्चन वालों का, वो साइड में से निकाल के ले जाता है चीजों को। सर वो अलग ही बच्चा है, वो संख्या कम है, अगर तुम में से हो आप वो, आप एग्जाम निकाल लोगे। सतही पढ़ के एग्जाम नहीं निकलेगा, 50-60% नंबर ले आओ ले आओ, एग्जाम नहीं निकलेगा, मेरिट में नहीं होगा। अब अपनी थ्योरी को उस तरह से देखो, उसको उस तरीके से रमाओ, तब जाके होगा। ठीक है भैया, चलिए आज के लिए इतना ही। सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर विजिट कर लेना, उस पर यूपी कांस्टेबल के नोट्स पर छूट चल रही है बहुत अच्छी सी आज रात 12 बजे तक, तो आप उसका लाभ जरूर उठाएं आज रात 12 बजे तक। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।